और ऊपर लगा दो। Today we will discuss about the unit third topic of the IPR. Unit third topic covers the procedure of obtaining the patents. कैसे patent को प्राप्त किया जाता है वो procedure के बारे में आपका study होगा. Concepts of patent application, कैसे एप्लीकेशन किया जाता है, कितने तरह के एप्लीकेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रोविजनल एप्लीकेशन क्या है, कंप्लीट एप्लीकेशन क्या है, डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स क्या है, क्लेम्स कितने तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लेम्स, डिपेंडेंट क्लेम्स, ओमनीबस क्लेम्स, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ओपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा और सीलिंग ऑफ पैटेंट्स क्या होगा. यूनिट थर्ड में इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे. और नाउ वी गो फॉर द कंसेप्ट ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन. पेटेंट, किसी भी पेटेंट को पाने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से जो है वो एप्लीकेशन दिया जाएगा, कितने तरह के एप्लीकेशन होते हैं, वो सारा इस यूनिट में स्टडी करेंगे. ए प्रोविजनल एप्लीकेशन इज ए टेम्पोरी एप्लीकेशन. ये आपको टेम्पोरी एप्लीकेशन होता है जो कि 12 मंथ के लिए होता है ये. एंड विच इज फाइल्ड व्हेन द इन्वेंशन इज नॉट फाइनलाइज. जब आपका इन्वेंशन फाइनलाइज नहीं होता है एंड ये जो है एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर है, एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर है, तो इसको प्रोविजनल एप्लीकेशन कहते हैं. ए प्रोविजनल एप्लीकेशन इज ए टेम्पोरी एप्लीकेशन. ये बिल्कुल टेम्पोरी एप्लीकेशन है.
किसी भी पेटेंट को बनाने के पहले, किसी भी इन्वेंशन को करने के पहले आप ओरिजिनल एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये आपको पेटेंट ऑफिस आपको राइट देता है। एडवांटेज ऑफ द फाइलिंग ए प्रोविजनल एप्लीकेशन, क्या क्या एडवांटेज है? एप्लीकेंट गेट्स 12 मंथ्स टाइम, 12 मंथ का, 1 साल का टाइम उसे मिल जाता है टू फुल्ली डेवलप द इन्वेंशन। इन्वेंशन को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए 12 मंथ का टाइम, 1 साल का टाइम उसको मिल जाता है। एंड सर्टेन इट्स मार्केट पोटेंशियल, इसके मार्केट पोटेंशियल को भी सर्टेन करने के लिए, जानने के लिए उसको 1 साल का टाइम मिल जाता है। तभी 1 साल पहले ही आप जो है आप प्रोविजनल एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश प्रायोरिटी राइट्स ओवर द इन्वेंशन, ये आपको प्रायोरिटी राइट्स देता है इन्वेंशन के ऊपर में, ये आपको इन्वेंशन के ऊपर में प्रायोरिटी राइट्स देता है। और ये एप्लीकेंट को बताता है कि पेटेंट पेंडिंग है ऑन देयर प्रोडक्ट, आपका जो पेटेंट है अभी पेंडिंग है अभी प्रोडक्ट में। एंड ये जो है लेस एक्सपेंसिव टू प्रिपेयर एंड फाइल द एप्लीकेशन, ये आपको एक्सपेंसिव नहीं है प्रिपेयर करना और फाइलिंग का एप्लीकेशन का। आप जो पेटेंट ऑफिस है, पेटेंट ऑफिस में 12 मंथ बिफोर जो है आप प्रोविजनल एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं किसी भी पेटेंट का। अगर कोई इन्वेंशन आपके कंपनी में हुआ है, आप कोई इन्वेंशन करते हैं तो उसको इसमें डाल सकते हैं। इनेबल्स द एप्लीकेंट टू फाइल द इंटरनेशनल एप्लीकेशन, ये आपको इंटरनेशनल एप्लीकेशन के लिए भी आपको एग्री कर देता है। एंड क्लेम प्रॉपर्टी विद इन 12 मंथ्स, और जो प्रायोरिटी है 12 मंथ पहले ही आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब तक कि आपका इन्वेंशन पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, आप उसमें काम कर रहे हैं, मार्केट पोटेंशियल आप जो है आपको पता नहीं है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप जो 12 मंथ पहले आप जो है पेटेंट ग्रांट करने के लिए प्रोविजनल एप्लीकेशन मस्ट बी फॉलोड, है ना, वो आप कर सकते हैं। प्रोविजनल एप्लीकेशन के बाद जो है 12 महीने के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको वहां जमा करना पड़ता है। अगर आपने प्रोविजनल एप्लीकेशन किया हुआ है तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 12 महीने के अंदर आपको वहां जमा करना पड़ता है, है ना। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन शुड बी सफिशिएंटली डिटेल्ड एज मस्ट बी ड्राफ्टेड वेरी केयरफुली टू इंश्योर दैट द प्रायोरिटी राइट्स आर सिक्योर्ड फॉर द ऑफ योर इन्वेंशन। इसीलिए प्रोविजनल एप्लीकेशन जब डालते हैं तो सफिशियंट डिटेल उसमें आपको ड्राफ्ट किया जाता है, जिससे कि जो है आपको प्रायोरिटी राइट्स जो है आपको मिले, है ना। पेटेंट को प्राप्त करने के लिए आपको पेटेंट एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, पेटेंट ऑफिस में डालना पड़ेगा। उसका जो है आपको क्या क्या क्लेम आप करते हैं, क्या एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, क्या ओपोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन है, क्या जो है सीलिंग ऑफ द पेटेंट, ग्रांट ऑफ द पेटेंट है, इसी को आप जो है यूनिट 3 में आप स्टडी करेंगे। प्रोविजनल एप्लीकेशन में यह एक टेम्पोरी एप्लीकेशन है, टेम्पोरी एप्लीकेशन है, जो कि इन्वेंशन अभी कंटिन्यू है, इन्वेंशन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है और ये मार्केट पोटेंशियल को सर्टेन नहीं किया है, उसी में जो है आपको ये किया जाता है। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन और नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल्ड इन पेटेंट ऑफिस विदाउट क्लेमिंग एनी प्रायोरिटी ऑफ एप्लीकेशन मेड इन द कन्वेंशन कंट्री, है ना। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन और नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन, इसमें ऑर्डिनरी एप्लीकेशन में पेटेंट जो है फाइल्ड पेटेंट ऑफिस में किया जाता है विदाउट क्लेमिंग एनी प्रॉपर्टी, प्रायोरिटी को क्लेम किए हुए बिना ही आपको कन्वेंशन कंट्री में फाइल किया जाता है, विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी अदर एप्लीकेशन, किसी भी पहले की एप्लीकेशन का ये दिया जाता है। अंडर प्रोसेस द ऑफिस इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन मस्ट बी एकॉम्पनीड विथ ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन जब करते हैं तो आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और क्लेम्स ये आपको डालना पड़ता है, ये आपको करना पड़ता है, ये आपको ऑर्डिनरी एप्लीकेशन हो गया। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन में बाद में आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम्स
ये दोनों आपको बाद में आपको फाइल करने पड़ते हैं। तो ये आपको पेटेंट ऑफिस में फाइल होता है, जिसका इंडिया में द्वारका में उसका जो है हेडक्वार्टर है, और 5 सब डिविजनल ऑफिसर आपको कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, मद्रास में और भी है। तो कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या होता है? कन्वेंशन एप्लीकेशन का मतलब है एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल इन द पेटेंट ऑफिस क्लेमिंग ए प्रायोरिटी डेट बेस्ड ऑन द सेम और सबस्टेंसी सिमिलर एप्लीकेशन फाइल ऑन वन मोर वन और मोर ऑफ द कन्वेंशन कंट्रीज इज कॉल्ड ए कन्वेंशन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन जो कि प्रायोरिटी डेट पहले के डेट से आपको कन्वेंशन कंट्री के अलावा और कहाँ वो एक से ज्यादा कंट्री में आप फाइल करते हैं तो इसको कन्वेंशन एप्लीकेशन करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट द कन्वेंशन स्टेटस एन एप्लीकेंट शुड फाइल द एप्लीकेशन इन द पेटेंट ऑफिस विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइलिंग। 12 महीने के अंदर फर्स्ट फाइलिंग डेट जब हुई थी एप्लीकेशन की कन्वेंशन कंट्री में, उसको आप जो है पूरा स्पेसिफिकेशन आप डाल सकते हैं। ये आपको कन्वेंशन एप्लीकेशन है जो कि नेशनल एप्लीकेशन है। पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन क्या होता है? पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन में इंटरनेशनल एप्लीकेशन गवर्न बाय द पैटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। पैटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी हुई है 142 कंट्री, उसमें आपको आपको मेंबर है। पीसीटी एप्लीकेशन का मतलब है आपको ये वर्ल्ड वाइड 142 कंट्री जो पैटेंट कॉर्पोरेशन टीटी के अंदर आते हैं उसमें ये इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। ये एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन है और ये इसके जो पैटेंट जो है सेल्स राइट जो है आपको मोर देन वन कंट्री जो आपको पैटेंट कॉर्पोरेशन टीटी के अंदर आता है आपको 142 कंट्रीज के अंदर जो है आपको आप उसको सेल कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ फाइलिंग ए पीसीटी एप्लीकेशन, ए सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इन ऑर्डर टू सीक प्रोटेक्शन फॉर एन इन्वेंशन अप टू द 142 कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये 142 कंट्री में थ्रू आउट द वर्ल्ड आपकी एप्लीकेशन की मान्यता हो जाएगी। ये आपको ए सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन से 142 कंट्री में आपको जो है जो प्रोडक्ट है जो आइटम है उसकी मान्यता हो जाएगी। द प्रायोरिटी डेट ऑब्टेंड बाय फाइलिंग ए पीसीटी एप्लीकेशन इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगा। पीसीटी एप्लीकेशन का मतलब है कि जो इसमें आपको पेटेंट मिलेगा राइट मिलेगा वो आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगा एंड हैज एन इफेक्ट इन ईच ऑफ कंट्रीज डिजाइनेटेड और इसका इफेक्ट सारी कंट्री में डिजाइनेटेड होगा। इट गिव्स द एप्लीकेशन 30-31 months टू इंटर इनटू वेरियस कंट्री। ये आपको 30-31 महीने का टाइम देता है जिससे कि आप जो है वेरियस कंट्री में आप जो है फाइल कर सकते हैं। ये आपके यूरोपियन कंट्रीज के जो पेटेंट होता है वो वहां पर ज्यादा होता है, वो पीसीटी फाइलिंग ज्यादा करते हैं, वो वहां पर पीसीटी फाइलिंग ज्यादा करते हैं जिससे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी वो जो है बिजनेस को आप कर सकें। इंटरनेशनल फाइलिंग डेट और प्रायोरिटी डेट उसमें कर सकता है। देयरफॉर गिव्स द एप्लीकेंट मोर टाइम टू असेस द वायबिलिटी ऑफ द इन्वेंशन। ये आपके पीसीटी एप्लीकेशन के फायदा है। डिलेज द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विथ अप्लाइंग फॉर ए पेटेंट इन वेरियस कंट्री। ये जो पीसीटी एप्लीकेशन अगर आप कर देते हैं तो ये जो है एक्सपेंसेस को आपको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है इन द वेरियस कंट्री, है ना। सभी कंट्री में आपको फाइन करने की जरूरत नहीं है। ये आपने पीसीटी एप्लीकेशन डाल दिया, इंटरनेशनल एप्लीकेशन डाल दिया, वो 142 कंट्री में आपको मान्य हो गया, है ना। ये प्रोवाइड्स एन इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट साइटिंग प्रियर आर्ट। ये आपको इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करता है विच गिव्स एन इंडिकेशन टू द एप्लीकेंट वेदर द इन्वेंशन इज नोवल एंड इनोवेटिव। विच गिव्स एन इन्वेंशन दैट द इन्वेंशन इज नोवल एंड इनोवेटिव। इन्वेंशन आपका नया है और इनोवेटिव है। प्रोवाइड्स एन ऑप्शन
फॉर रिक्वेस्टिंग एन इंटरनेशनल प्राइमरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट. इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इससे हासिल हो सकता है. द रिपोर्ट कंटेनिंग एन ओपिनियन ऑन द पेटेंटेबिलिटी ऑफ द इन्वेंशन. जो रिपोर्ट पेटेंटेबिलिटी ऑफ इन्वेंशन के बारे में बताएगा. सातवां एडवांटेज है द इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट एंड इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट अलाउज द एप्लिकेंट टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ईयरली इन द पेटेंट प्रोसेस. ये जब उसको मिल जाएगा इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट, उसको मिल जाएगा इंटरनेशनल प्राइमरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जब मिल जाएगा तो उसको पेटेंट प्रोसेस में आपको काफी सुविधा होगा. एंड टू अमेंड द एप्लीकेशन टू डील विथ ए कंफ्लिक्टिंग मटेरियल बिफोर द मेजर एक्सपेंसेस ऑफ द नेशनल फेज ऑफ द पेटेंट प्रोसेस बिगेन. ये जो है आपको पेटेंट प्रोसेस का काफी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको कम करेगा. इट ऑल्सो गिव्स द एप्लीकेंट ए फेयर आइडिया ऑन द पेटेंटेबिलिटी ऑफ द इन्वेंशन. ये जो है आपको एक फेयर आइडिया देता है पेटेंटेबिलिटी ऑफ इन्वेंशन बिफोर इनकरिंग चार्जेज फॉर फाइलिंग एंड प्रोस्कटिंग द एप्लीकेशन इन ईच कंट्री. ये आपको पीसीटी एप्लीकेशन का आपको फायदा है. ये पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन होता है. आप पेटेंट को 142 कंट्री में आप अपना सामान जो है वो इन्वेंशन को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं. ये पीसीटी एप्लीकेशन का फायदा है. पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन में, नेशनल फेज एप्लीकेशन में आपको डीएनएटिंग इंडिया में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. एन एप्लीकेशन कैन फाइल ऑन द नेशनल फेज एंड विद इन 31 मंथ फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट और द प्रायोरिटी डेट. ये 31 मंथ के अंदर जो है आप पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ. एंड नेक्स्ट इज द पेटेंट ऑन एडिशन. व्हेन एन एप्लीकेंट फील्स दैट ही हैज कम अक्रॉस एन इन्वेंशन विच इज स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वेंशन. जो उसने पहले फाइल किया था उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन है, स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वेंशन है विच ही हैज ऑलरेडी अप्लाइड. जो कि पहले उन्हें पहले ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो उसको पेटेंट ऑन एडिशन बोलते हैं. द एप्लीकेंट कैन गो फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन इफ इन्वेंशन डज नॉट इन्वॉल्व ए सब्सटेंशियल इन्वेंटिव स्टेप. ये सब्सटेंशियल इन्वेंटिव स्टेप को दर्शाता है. देयर इज नो नीड टू पे सेपरेट रिन्यूअल फी. इसके लिए सेपरेट रिन्यूअल फी को आपको नहीं उसमें किया जाता है. For the patent of addition during the term, the main patent and it expires along the main patent. ये patent on addition है. आपने पहले application file कर रखी है, उस application में आपको slight modification दिखाना है invention का, तो patent of addition का use करेंगे. और patent of addition use करके जो आपका substantial inventive step है वो आप उसमें add कर सकते हैं, है ना. तो ये पेटेंट ऑफ एडिशन है. डिविजनल एप्लीकेशन है. व्हेन एप्लीकेशन मेड एप्लीकेंट क्लेम्स मोर देन वन इन्वेंशन द एप्लीकेंट ओन हिज वन और टू मीट द ऑफिशियल ऑब्जेक्शन मे डिवाइड द एप्लीकेशन एंड फाइल टू और मोर एप्लीकेशन एज एप्लीकेबल फॉर द ईच इन्वेंशन. इसको डिविजनल एप्लीकेशन बोलते हैं. अगर आपने मोर देन वन इन्वेंशन का क्लेम करना है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन का इन्वेंशन का क्लेम करना है ना, तो एक से ज्यादा एप्लीकेशन को क्लेम करने के लिए टू और मोर एप्लीकेशन डालते हैं, है ना. तो दो और ज्यादा एप्लीकेशन डालते हैं तो इसको बोलते हैं डिवाइडिंग आउट ऑफ द पेरेंट वन एंड कॉल द डिविजनल एप्लीकेशन. इसको बोलते हैं डिविजनल एप्लीकेशन, है ना. इसको बोलते हैं डिविजनल एप्लीकेशन. व्हेन एप्लीकेंट एप्लीकेशन मेड बी एप्लीकेंट क्लेम्स मोर देन वन इन्वेंशन. एक से ज्यादा इन्वेंशन को क्लेम कर रहा है एप्लीकेंट ऑन हिज वन और टू मीट द ऑफिशियल ऑब्जेक्शन मे डिवाइड द एप्लीकेशन एंड फाइल टू और मोर एप्लीकेशन. दो और दो से ज्यादा एप्लीकेशन को फाइल करता है तो इसको आपको डिविजनल एप्लीकेशन बोलते हैं. The priority date for all the divisional application will be same as that claim by the patent application. ये आपको divisional application इसको बोलते हैं. तो
ये था आपको डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन, वही आपको एप्लीकेशन का यहाँ पे टाइप्स आपको दिखाया गया है जो मैंने अभी आपको बताया कि कितने तरह के आपके टाइप्स ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन है, प्रोविजनल एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशन एप्लीकेशन, पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन, पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन, पेटेंट ऑन एडिशन एंड डिविजनल एप्लीकेशन, ये 6 तरह के पेटेंट एप्लीकेशन होते हैं, है ना। आपको पेटेंट लेना है तो पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो आप किस तरह का जो है आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं उसी के बारे में आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, 30 फॉर्म भरने पड़ते हैं। ये 30-30 फॉर्म्स जो भरने होंगे तो उसी का आपको फिर जो है बाद में आपको ऑथराइजेशन मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा आपको इन्वेंशन का। तो यही आपको पेटेंट एप्लीकेशन है। पेटेंट एप्लीकेशन में ये आपको 7 तरह के आपके टाइप्स ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन है जो मैंने आपको आपको यहां पर डिस्कस किया है ना। ये 7 तरह के इसके एडवांटेज भी मैंने बताया, पीसीटी एप्लीकेशन का फायदा क्या है, एडवांटेज ऑफ फाइलिंग प्रोविजनल एप्लीकेशन का एडवांटेज भी मैंने बताया। ये 7 तरह के पेटेंट एप्लीकेशन होते हैं। There are 7 types of the patent application: provisional application, ordinary or non-provisional application, convention application, PCT international application, PCT national phase application, a patent of addition and divisional application. Divisional application में more than 2 patent को जब file करते हैं तो divisional application use करते हैं। जब slightly modification होता है आपको patent में तो पेटेंट एडिशन यूज करते हैं। आप नेशनल लेवल पे जब अप्लाई करेंगे तो पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन बोलते हैं। पीसीटी पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी इंटरनेशनल लेवल पे जब आप अप्लाई करेंगे कवरिंग ऑल 142 कंट्री तो पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन आ जाएगा, है ना। तो ये सारे टाइप है आपको पेटेंट एप्लीकेशन के। फिर मैं दोबारा उसको आपको क्लियर कर देता हूं कि ये पेटेंट एप्लीकेशन कितने तरह का है। नंबर 1 इज द प्रोविजनल एप्लीकेशन। ए प्रोविजनल एप्लीकेशन आल्सो नोन एज ए टेंपरेरी एप्लीकेशन, ये टेंपरेरी एप्लीकेशन है। आपका इन्वेंशन चल रहा है, आप अभी पूरे फाइनल दौर में नहीं पहुंचे हैं इन्वेंशन का। जैसा कि अभी कोरोना केस में चल रहा है, इन्वेंशन सब जगह चल रहा है, तो प्रोविजनल एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं और विद इन द 12 मंथ आपका उसका पूरा डिटेल वो आप पेटेंट ऑफिस में आप जमा करेंगे, है ना। इट इज प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन विद फाइल्ड पेटेंट ऑफिस फॉर क्लेमिंग द प्रायोरिटी। ये इसलिए जमा करता है कि वो उसको प्रायोरिटी मिल जाती है, फर्स्ट टू फाइल सिस्टम, क्योंकि पेटेंट ऑफिस में फर्स्ट टू फाइल सिस्टम को आपको प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि एक ही चीज पे कई कंट्री काम कर रहे हैं, कई संस्थाएं काम कर रही है। अब जैसे कोरोना की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए सभी जगह वर्ल्ड में काम चल रहे हैं, तो पेटेंट ऑफिस बोलेगा भाई अगर 2 आदमी एक साथ चला गया तो फर्स्ट फाइल को वो जो है आपको इंपोर्टेंस देगा। वैक्सीन तो बनाना ही है तो इसमें फर्स्ट फाइल को वो जो है इंपोर्टेंस देगा, नॉन पॉपुलरली एज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो इसी को इसीलिए प्रोविजनल एप्लीकेशन डाइल करवाते हैं कि आप प्रोविजनल एप्लीकेशन डाल दीजिए, आपका रिसर्च चल रहा है और 12 मंथ के अंदर आप सारा जो है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप डालिए। अगर जो है फेल्योर हो जाता है पार्ट में तो एप्लीकेशन को वॉइड मान लेते हैं। अगर 12 महीने के अंदर अगर उसने जमा नहीं करा तो उसको एप्लीकेशन को वर्ड मान लेते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर दिस इंक्लूड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंफ्लेमेशन मस्ट बी ड्राफ्टेड इन द मेटिकुलस मैनर सो एज टू इंश्योर द प्रायोरिटी राइट्स, है ना। ये आपको प्रायोरिटी राइट्स को आपको बताता है। तो ये आपको प्रोविजनल एप्लीकेशन इसको बोलते हैं, प्रोविजनल एप्लीकेशन इसको बोलते हैं कि काम चल रहा है, इन्वेंशन चल रहा है, इन्वेंशन पूरा नहीं हुआ है, सभी आदमी उसके काम में लगे हुए हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो आप पहले टेम्पोरी एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं कि हम जो है पेटेंट ऑफिस में
पेटेंट ऑफिस मैंने आपको बताया कि हेडक्वार्टर द्वारका में है इंडिया का, और 5 सबडिवीजनल ऑफिस है, एक तो बेंगलोर में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है, वहां पर आपको इसके ऑफिस है। पेटेंट ऑफिस में आप उसको इन्वेंशन का आप डाल सकते हैं कि इन्वेंशन चल रहा है, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सेल पे आपको दिया जाएगा। ऑर्डिनरी और नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन उसमें कहते हैं दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज फाइल्ड इफ द एप्लीकेंट डज नॉट हैव प्रायोरिटी टू क्लेम। प्रायोरिटी क्लेम करने के लिए नहीं होता है। ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंटेल्स द फॉलोइंग, है ना, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए वो आपको यहां पर दिखाया गया है। टाइटल होना चाहिए, ए परमिबल टू द इन्वेंशन होना चाहिए, द टेक्निकल फील्ड ऑफ इन्वेंशन होना चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ इन्वेंशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेंशन होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन होना चाहिए, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रॉइंग होना चाहिए, ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन होना चाहिए, क्लेम्स होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये 10 चीजें एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आपको रहता है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको वो जमा करना पड़ेगा जब आपका, तभी आपको जो है पेटेंट को आपको गारंटी मिलेगी। टाइटल होता है, ए परमिबल टू द इन्वेंशन होता है, द टेक्निकल फील्ड ऑफ इन्वेंशन होता है, बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन होता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इन्वेंशन होता है, स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रॉइंग होता है। ड्रॉइंग का पूरा हर तरह का ड्रॉइंग जो जो इन्वेंशन में यूज हुआ है सारा ड्रॉइंग आपको वहां पर मिलेगा, सारा ड्राइंग वहां पर देगा। स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेंशन वहां पे होगा, इन्वेंशन का ऑब्जेक्ट क्या है वो होगा, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन क्या है वो होगा, क्लेम्स जो है, एब्स्ट्रैक्ट जो है, ये आपको सारा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आपको दिया हुआ रहता है ना। तीसरा है कन्वेंशन एप्लीकेशन। ए कन्वेंशन एप्लीकेशन इज फाइल्ड फॉर क्लेमिंग द प्रायोरिटी डेट। ये प्रायोरिटी डेट को फाइल करने के लिए कन्वेंशन आपको यूज किया जाता है। ये किसी भी सेम और द सोशल कन्वेंशन कंट्री में आपको यूज किया जा सकता है। इंडियन पेटेंट ऑफिस विद इन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल फाइलिंग आपको कन्वेंशन कंट्री में आपको वो फाइल किया जा सकता है ना। पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन, अभी भी मैंने फिर आपको डिस्कस किया था, पेटेंट कॉरपोरेशन टीटी है जो कि 142 कंट्री में वैलिड है, और आप उसको एप्लीकेशन पहले फाइल कर सकते हैं। पीसीटी एप्लीकेशन थ्रू द एप्लीकेशन डज नॉट प्रोवाइड द ग्रांट फॉर द इंटरनेशनल पेटेंट। इसके बिना आपको इंटरनेशनल पेटेंट का ग्रांट आपको नहीं मिलेगा। हियर द टाइम फ्रेम इज द 30 to 31 months टू इंटर इन टू द वेरियस कंट्रीज फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से आपको यही होगा, फॉलोइंग अदर बेनिफिट द एप्लीकेंट प्रोवाइड्स इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट साइटिंग। आपको इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट साइटिंग वो देता है, प्रियर आर्ट के बारे में बताता है, विच डिस्क्लोसेस वेदर और नॉट द इन्वेंशन इज नोवल, इन्वेंशन नोवल है कि नहीं है उसके बारे में बताता है। इट प्रोवाइड्स एन ऑप्शन फॉर रिक्वेस्टिंग एन इंटरनेशनल प्राइमरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ये आपको इंटरनेशनल प्राइमरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट देगा जो कि आपको वैलिड माना जाएगा पेटेंटेबिलिटी ऑफ इन्वेंशन के लिए, है ना। तो मोर इन्फॉर्म च्वाइसेस ईयरली इन द पेटेंट ऑफिस, इसमें आपको मोर इम्पोर्टेंट, आपको एन एप्लीकेंट फ्रॉम इंडिया कैन फाइल दिस एप्लीकेशन टू द इंडियन पेटेंट ऑफिस विच एक्ट्स एज ए रिसीविंग ऑफिस देन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ विपो, है ना, वर्ल्ड इंटरनेशनल विपो में उसको फाइल करना है। फाइलिंग परमिट टू द आईपीओ After the 6 weeks और 12 months of filing an application in India, ये आपको international application था। और national phase application में ये आपको national level में होगा, within a country होगा, national phase में होगा, है ना। time frame इसका within 31 month आपको होगा। national law by each country member ये आपको आपको decide करेगा। नेशनल फेज एप्लीकेशन होगा, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, क्लेम्स होगा, ये आपको इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर पीसीटी फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको करेगा। पेटेंट ऑन एडिशन, आपको स्लाइट मॉडिफिकेशन है इन्वेंशन में,
जो आपने एप्लीकेशन फाइल की है उसमें आपको स्लाइट मॉडिफिकेशन है इन्वेंशन का, विच हैज ऑलरेडी इन अप्लाइड, जो कि पहले आपने अप्लाई कर रखा है पेटेंट ऑफिस में, तो इसको बोलते हैं पेटेंट ऑन ओवर एडिशन। पेटेंट में आपको कुछ एडिशन किया जाएगा तो उसको बोलते हैं पेटेंट ऑन एडिशन। पेटेंट ऑन एडिशन इज ओनली ग्रांटेड आफ्टर द ग्रांट ऑफ द पेरेंट पेटेंट। पेरेंट पेटेंट को ग्रांट हो जाने के बाद आप जो है फाइल करेंगे तो आपको जो है पेटेंट ऑन एडिशन मिलेगा। एंड इन दिस केस नो सेपरेट रिन्यूअल फी विल बी सबमिटेड। आपको फीस को भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा पेटेंट ऑन एडिशन में, आपको अलग से जो है फीस उसकी नहीं भरनी पड़ेगी, तो ये आपको फायदा हो जाएगा पेटेंट ऑन एडिशन में। अगर पेटेंट ऑन एडिशन फाइल करते हैं कि हमारे पास पेटेंट आपको ग्रांट हुआ है, उसमें होता ही है। आज जो है मोबाइल का एक मॉडल बनाया, उस मॉडल में फिर जो है चेंज हो जाता है, 6 महीने के बाद चेंज हो जाता है, तो कहते हैं कि भाई हमारा पेटेंट ऑन एडिशन कर लो, हमारा नया नया मॉडल का मोबाइल आ गया है। तो कंपनियां ये करती है पेटेंट ऑन एडिशन करती है। इसमें नए मोबाइल में काफी फीचर्स जो है नए नए हैं, आपको उसको पेटेंट ऑन एडिशन वो करते हैं, है ना। तो ये आपको पेटेंट ऑन एडिशन है। डिविजनल एप्लीकेशन फर्निश टू और मोर एप्लीकेशन, मोर देन वन इन्वेंशन इज देयर, तो उसको कहते हैं कि डिवीजन में आप एप्लीकेशन फाइल कर दिए, डिवीजन में फाइल कर दीजिए, तो ये आपको डिविजनल एप्लीकेशन था आपको। एन अपील कैन मेड बाय द डिसीजन टू द पेटेंट ऑफिस। ये देखिए आपको एक फ्लो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है पेटेंट जो है आपको ग्रांट होता है। एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर पेटेंट आप डालेंगे पेटेंट ऑफिस में डालेंगे, फिर उसका पब्लिकेशन होगा 18 मंथ फ्रॉम प्रियोरिटी डेट। जब आपको आपको ग्रांट हो जाएगा फिर आपको 18 महीने के अंदर प्रियोरिटी डेट मिलेगा। फिर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन विद इन 48 मंथ ऑफ द प्रियोरिटी डेट, इस डेट को आपने फाइल किया है फिर उसका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन में आपको फॉर्मल और सब्सिडरी उसका एग्जामिनेशन होगा। और एप्लीकेशन फाउंड इन ऑर्डर बाय द ग्रांट बाय द कंट्रोलर, ये आपको होगा। प्री ग्रांट ओपोजिशन होगा, ग्रांट के पहले उसका ओपोजिशन होगा, बिफोर ग्रांट द कंट्रोलर, है ना। और यहाँ पर एप्लीकेंट्स रिसोर्स टू बी द एग्जामिनेशन, एप्लीकेंट्स के जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सारे एग्जामिन किए जाएंगे। अगर यस हुआ तो पेटेंट आपको गारंटी मिल जाएगी, पोस्ट फ्रंट ग्रांट मिल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो पेटेंट रिफ्यूज हो जाएगा। अपील टू बी अपील टू द बोर्ड, है ना, फिर जो पेटेंट आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये आपको पेटेंट आपका रिजेक्टेड हो जाता है। अगर पोस्ट ग्रांट होता है तो फिर उसमें आप मेंटेन द पेटेंट आप मेंटेन कर सकते हैं, एहिड ऑफ द पेटेंट हो सकते हैं, और फिर जो है उसका रिजेक्ट ऑफ द पेटेंट हो सकता है। तो ये केसेस आपको यहाँ फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है। अब पहले मैं सबका अटेंडेंस आपका जो है अटेंडेंस आपका बना देता हूँ। अभिषेक कुमार दुबे रोल नंबर 2, आकाश पवार जी रोल नंबर 3, चंदन शाह जी रोल नंबर 8, हिमांशु जी रोल नंबर 17, हिमांशु पुंडीर जी रोल नंबर 18, जितेंद्र राणा जी रोल नंबर 23, कौशल जी रोल नंबर 25, पवर नेगी जी रोल नंबर 30, राहुल जी रोल नंबर 32, रामदत्त भट्ट जी रोल नंबर 38, रौनक कुमार जी रोल नंबर 39, शेखर जी रोल नंबर 41, चिराग सैनी जी रोल नंबर 9, गौरव कुमार जी रोल नंबर 16,
जैनेश चौहान जी रोल नंबर 22, कार्तिक जी रोल नंबर 24, 16 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी। कार्तिक जी रोल नंबर 24, जैनेश चौहान जी रोल नंबर 22, गौरव कुमार जी रोल नंबर 16, चिराग सैनी जी रोल नंबर 9, शेखर जी रोल नंबर 41, रौनक कुमार जी रोल नंबर 39, रामदत्त भट्ट जी रोल नंबर 38, राहुल जी रोल नंबर 32, पवन नेगी जी रोल नंबर 30, कौशल जी रोल नंबर 25, जितेंद्र राणा जी रोल नंबर 23, हिमांशु पुंडूर जी रोल नंबर 18, हिमांशु जी रोल नंबर 17, चंदन शाह जी रोल नंबर 8, आकाश पवार जी रोल नंबर 3, अभिषेक दुबे जी रोल नंबर 2। ये आपके 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी का मैंने आपको नाम ले लिया है। तो ये फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है, फ्लो चार्ट से आपको पता चल जाता है। देखिए यहाँ पर पेटेंटेड का आपको स्टाम्प लगा दिया है कि इस लाइन में यहाँ से यस हो जाने के बाद पेटेंट ग्रांटेड हो जाता है ना। पेटेंट ग्रांटेड होने के बाद ये शुरू से आप देख लीजिए, एप्लीकेशन अपने पेटेंट का डाला, वो पब्लिश कर दिया जाएगा। जिस डेट से आपने एप्लीकेशन डाला उसको पब्लिश कर दिया जाएगा, 18 मंथ फ्रॉम प्रायोरिटी डेट, डेट से 18 मंथ के लिए पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन होगा, उस पेटेंट का एग्जामिनेशन की सर्च किया जाएगा, 48 मंथ में उसका सर्चिंग होगा। सर्चिंग होने के बाद एग्जामिनेशन आपका कंप्यूट होगा, उसका फॉर्मल और सब्सटेंशियल एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फाउंड इन द ऑर्डर फॉर ग्रांट बाय द कंट्रोलर, कंट्रोलर को लगेगा कि नहीं नया चीज है, नया इन्वेंशन है, तो कंट्रोलर उसमें दो डिसीजन लेगा, यस लेगा या नो लेगा। यस लेगा तो पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, उसको पेटेंटेड मिल जाएगा, है ना। उसको जब ग्रांट लेगा तो पेटेंट उसको मिल जाएगा। कंट्रोलर एप्लीकेंट से रेस्पॉन्सेस मांगेगा, जो भी उसको मांगना है। कंट्रोलर वहां पे एग्जामिनेशन से पहले आपको सारी चीजें डिटेल मांगेगा, वो आपको सारी जमा करनी पड़ेगी। अगर नहीं होता है तो पेटेंट को रिफ्यूज कर दिया जाएगा, है ना। नहीं होता है तो पेटेंट को रिफ्यूज किया जाएगा। ये प्री ग्रांट ऑपोजिशन है आफ्टर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन पहले पेटेंट को पब्लिश कर दिया जाएगा, इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा, सभी जगह जो है जर्नल वगैरह में छाप दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई अगर कोपोजिशन आता है तो वो यहाँ पे डील किया जाएगा। कोई कहता है कि नहीं ये मेरा है तो ये आपको ओपोजिशन या आपको यहाँ पर डील किया जाएगा, तभी उसको जो है पेटेंट ग्रांट दिया जाएगा। ये रिसर्च पेपर में भी यही होता है कि वो छपने के पहले वो नेट पे डाल देते हैं, है ना, उसमें लिख देते हैं जो पेपर इन प्रेस प्रेस में है, और वो 18 मंथ तक छोड़ देते हैं पेपर को। उसके बाद कोई जब ऑपोजिशन नहीं आता है, किसी का नहीं आता है, तो फिर वो छपता है। तो ये सिस्टम है रिसर्च पेपर भी छपने का, बिल्कुल सेम सिस्टम है। पैटर्न रिफ्यूज कर देगा तो आप जो है फिर उसको अपील बोर्ड में देके फिर पेटेंट अलाउ कराएंगे, तो अपील करके तो फिर वो आपको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट मिलेगा। अगर पेटेंट रिजेक्ट हो जाता है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। पोस्ट ग्रांट में जब ग्रांट मिल गया तो उसमें ऑर्डर बाय कंट्रोलर हियरिंग द अपील्स टू मेंटेन द पेटेंट, एहिट द पेटेंट एंड रिजेक्ट द पेटेंट। ये आपको टाइम का आपको एप्लीकेशन का बताया हुआ है। पेटेंट फाइलिंग कैसे होगा, प्रोसीजर कैसे होगा, ये पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। तो आज आप इतना ही, आप इसको स्टडी कीजिए। ये पेटेंट एप्लीकेशन है, ये आपको क्या पेटेंट एप्लीकेशन है, ये टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन है। 7 तरह के पेटेंट एप्लीकेशन होते हैं, 7 तरह का एप्लीकेशन होता है। आपको किस तरह की पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी है, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किस तरह की आपको पेटेंट ऑन एडिशन करना है, या डिविजनल एप्लीकेशन करना है, या पेटेंट नेशनल बेस पे करना है,
कि पीसीटी इंटरनेशनल बेच पे करना है, कन्वेंशन एप्लीकेशन करना है, कि ऑर्डिनरी करना है, प्रोविजनल करना है ना। तो ये आपको पेटेंट एप्लीकेशन का आपको सारा जो है डिटेल आपको यहां पर आपको बताया गया है पेटेंट एप्लीकेशन का। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन में टेम्पोरी एप्लीकेशन होता है, इन्वेंशन आपको चल रहा होता है, इन्वेंशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है, फुल्ली डेवलप स्टेज में नहीं है, आधा इसमें चांसेस है कि आपका इन्वेंशन हो जाएगा। अंकित शर्मा जी रोल नंबर 6 इज ज्वाइनिंग नाउ। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन डालते हैं, उसके ये आपके एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि 12 मंथ का आपको टाइम मिल गया आपको डेवलप करने के लिए, 12 महीने के अंदर जो है आप उसको इन्वेंशन को पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप मार्केट में ले चले आइए, आप जो है एप्लीकेशन ले करके। ये आपको ये एडवांटेज है प्रोविजनल एप्लीकेशन का, ये पेटेंट ऑफिस आपको देती है ना। प्रायोरिटी इस्टेब्लिश करने का राइट देती है, कई अगर कंट्री, कई अगर लेबोरेटरी उसका जो है इन्वेंशन कर रहे हैं तो प्रायोरिटी उसमें इस्टेब्लिश करती है कि भाई किसने पहले फाइल करा। प्रोविजनल एप्लीकेशन का ये फायदा है कि भाई किस लेबोरेटरी ने फाइल करा, प्रायोरिटी दी, तो ये आपको प्रायोरिटी उसमें मिल जाती है। हैं, पेटेंट पेंडिंग ऑन देयर प्रोडक्ट, ये भी करने का आपको मिल जाता है। लेस एक्सपेंसिव टू प्रिपेयर एंड फाइल द एप्लीकेशन, लेस एक्सपेंसिव टू प्रिपेयर एंड फाइल द एप्लीकेशन, ये आपको मिलता है। फाइल इंटरनेशनल एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ्स, ये आपको मिलता है। तो आपको ये 12 महीने के अंदर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आपको जमा करना पड़ता है, तो इसी को प्रोविजनल एप्लीकेशन बोलते हैं। प्रोविजनली जो है एप्लीकेशन फाइल किया गया है, ये नॉन प्रोविजनल है ना, ये नॉन प्रो, ये आपको ऑर्डिनरी एप्लीकेशन का मतलब नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन है। इसमें आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑन क्लेम्स के साथ में आपको जमा करना पड़ेगा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 30 फॉर्म होते हैं, 30 फॉर्म को साथ में जमा करना है। आप पेटेंट में क्या क्लेम कर रहे हैं उसको भी जमा करना है ना। तो इसको ऑर्डिनरी एप्लीकेशन बोलते हैं कि सारा चीज उसमें आपको ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुका है, इन्वेंशन होने के बाद आप सारा चीज जो है आप उसको जमा कीजिए, इसको ऑर्डिनरी एप्लीकेशन और नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन बोलते हैं। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा इन्वेंशन कंप्लीट होने के बाद ये सारा चीजें डिटेल ड्राइंग वो आपको मैं यहां